नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटबंदी के विषय पे। आज के डेट में जो पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो अन्य पार्टियां वो कहती हैं कि नोटबंदी से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस तरीके से काफ़ी सारे नोटबंदी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हुई उसको पकड़ के ये लोग एक मुद्दा बनाकर रूलिंग पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। किस लिए? ताकि रूलिंग पार्टी की छवि खराब हो और जनता का समर्थन मिले और आने वाले इलेक्शन में उनको वोट मिले ताकि वो सरकार बना सकें। ये इनका प्लान है। लेकिन पॉइंट ये है कि नोटबंदी का विषय समाप्त हो चुका है, समस्याएं ख़त्म हो, नोटबंदी से की वजह से उस वक्त जो भी समस्याएं थी वो सब तब का तब सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन जो देश की असल समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ना कांग्रेस पार्टी बात कर रही है उस असल मुद्दों के ऊपर, ना ही अन्य पार्टियां इस अन्य असल मुद्दों के ऊपर बात कर रही हैं। अब बात करते हैं बीजेपी वालों की। अब नोटबंदी फैसला किस हद तक सफल हुआ, अगर अब मैं एक ही बात में अगर बताऊं तो ये फायदा जो हुआ है सिर्फ बीजेपी वालों को हुआ है। बीजेपी पार्टी की फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ी है, उनके लोगों का इनकम बढ़ा है। लेकिन दूसरी ओर से अगर बात करें देश की असल मुद्दों के, उस सारी जो देश की जितनी भी समस्याएं हैं, पब्लिक की जितनी भी समस्याएं हैं, वो में से एक भी समस्याओं का समाधान बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी नहीं कर पाई है। अब जब नोटबंदी से देश की समस्याओं का लिंक नहीं हो रहा है, नोटबंदी से देश की जनता की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, तो जनता को सोचना है कि वोट किसे करना है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के लिए मुद्दा उठा रही है, बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलते हैं कि हमने तो कोशिश की, कम से कम हमने नोटबंदी से का ब्लैक मनी पैसा वापस लाया वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, ब्लैक मनी पैसा वापस लाया, चलो मान लेते हैं कि आपने ब्लैक मनी पैसा वापस लाया, लेकिन देश की समस्याएं जो देश के असल मुद्दे हैं, क्या आपने उनको प्रॉब्लम सॉल्व किया? नहीं ना। तो नोटबंदी का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका मतलब। ब्लैक मनी आया होगा तो बीजेपी के खाते में आया ना, आम जनता के हाथ में क्या आया? कुछ महीनों की थोड़ी तकलीफ हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सोच के लोगों ने तकलीफ सहा कि आने वाले दिनों में जनता का भला होगा? लेकिन ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो जनता को यह समझना है कि ये लोग हर मुद्दों को लेकर सिर्फ चर्चा करते हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटका सकें और कहीं ना कहीं किसी और कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर उंगली उठाते हैं ताकि उनको समर्थन मिले, बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं ताकि बीजेपी को समर्थन मिले। कहीं ना कहीं ये लोग मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, जनता को पता चल रहा है कि ये लोग अपनी ही पोल एक दूसरे की पोल खुद ही खोल रहे हैं। तो जनता को तो इस बार, जहां तक मेरी जानकारी, मेरे को ऐसा लगता है जनता को तो पिक्चर साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी भी असल मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पा रही है, कांग्रेस पार्टी भी असल मुद्दों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है, और दोनों में से कोई भी पार्टी और इवन दूसरी पार्टियां भी देश के असल मुद्दों के ऊपर तो बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ उंगली उठाने की काम कर रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे, बीजेपी वालों ने नहीं किया। अब जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उनको सरकार गिराने के लिए तो ये चाहिए ही, ताकि उन लोगों का समर्थन उनको मिले और इस बार ये जीत लें। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जीतने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कांग्रेस जीते या आप पार्टी जीते या दूसरी कोई भी पार्टी सरकार बनाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट ये है, क्या आप लोगों के जीतने से देश की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, पॉवर्टी प्रॉब्लम, किसानों की समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या आप इसका गारंटी लेते हैं आप लोग कि हाँ भाई, हमारी सरकार आएगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स, हम देश के सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे? क्या आपके पास इसकी गारंटी है? क्या इस पे कोई बात कर रहा है? नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास इनका हल ही नहीं है। ये सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठा के लोगों का समर्थन लेके सरकार बना के फिर चार दिन ऐसे ही चलाएंगे, फिर इनकी कोई आप इनकी नाकामियों के ऊपर फिर अपोजिशन पार्टी इनके ऊपर उंगली उठाएगी और ये इस तरह से चलता रहेगा। और यही आज तक होते आया है। 1947 से लेके 2018 तक लोग एक दूसरे पे उंगली उठा के, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, कभी ये सरकार कभी वो सरकार, यही होते आ रहा है। लेकिन देश की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। रोड बने होंगे, नाली बने होंगे,
कुछ जगह बने हैं, बहुत सी जगह नहीं बने हैं। 70 सालों में आप रोड नहीं बना पाए, 70 सालों में नाली नहीं बना पाए, 70 सालों में आप बिजली नहीं पहुंचा पाए, 70 सालों में गरीबी नहीं हटा पाए, 70 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, 70 सालों में लोगों का बिजनेस जो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनको 70 सालों में उनका बिजनेस ठीक नहीं कर पाए। तो 70 साल में आप लोग कर क्या रहे हैं? जब आप लोगों से काम नहीं होता तो छोड़ दो यार, जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए आप। और जनता भी समझे ये लोग हमें सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए ना, एक ही बात करूं, पॉलिटिशियंस को कुछ भी बोलना, उनके ऊपर उंगली उठाना ही बेवकूफी है। जनता, क्योंकि जनता ने पॉलिटिशियंस को चुना है, पॉलिटिशियंस ने जनता को नहीं चुना है, ये बात आप जनता समझ लें। तो हम, मुझे यह लगता है कि जनता कहीं ना कहीं बेवकूफ है, क्योंकि जनता जब जान समझ रही है कि ये जो जो नेता लोग हैं भ्रष्ट हैं, करप्शन है, और देश की समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर भी वोट दे रहे हैं। अब इसको अंधभक्त नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो जनता को तय करना है कि आप लोग किसे वोट करना चाहते हैं, वो लोग जिन लोगों ने आज तक देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया। अरे मौका एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। सो इसीलिए इस बार इलेक्शन में सोच समझ के फैसला लीजिएगा, और ऐसे वोट, अपनी वोट की ताकत से इन लोगों को सबक सिखाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी नजर में अगर ऐसा कोई नेता है जो देश की सारी समस्याओं का समाधान कर सके, उनको सपोर्ट कीजिए और उनको डेवलप कीजिए। और अगर आपको लगता है कि देश में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो एक काम कीजिए, नोटा दबा देना। नोटा एक ऐसा अस्त्र है जो सारे देश का सारे नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को वहां से हटा देगा। और जनता कहती है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, किसी न किसी को तो वोट देना है। अरे भाई विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प है, इतनी सारी पार्टियां हैं। अगर एक भी नेता आपको यह गारंटी नहीं देता कि देश की समस्याओं का हम समाधान करेंगे, तो किसी को भी वोट मत दो भाई। लास्ट में एक बटन तो है ना, नोटा नाम की चीज, नोटा दबा दो, अपने आप ये लोग फिल्टर हो जाएंगे, सारे भ्रष्ट नेता अपने आप हट जाएंगे। अब कई लोगों के कई सवाल हैं नोटा के ऊपर, और इसके बारे में हम नोटा के बारे में अगले एपिसोड में हम इसके बारे नोटा के बारे में हम अगले एपिसोड में इसकी डिटेल जानकारी देंगे कि नोटा से वाकई में क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।